सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां सर्वेषां स्वागतमस्ति। पढ़ई तुम्हार द्वार कार्यक्रमस्य अंतर्गते अद्य वयं पठामः सप्तम्यां कक्षायाः संस्कृत विषयं पञ्चदशः पाठः। इदानीं अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ रायपुरतः भवति। प्यारे बच्चों, आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का शीर्षक है पर्यावरण। पर्यावरण क्या है ये जानते हैं आप। पर्यावरण किसे कहते हैं इसके विषय में जानते हैं। परिधन आवरण इति पर्यावरण। परि का मतलब होता है बाहरी या बाह्य, आवरण मतलब होता है ढका हुआ, अर्थात जो बाहरी रूप से ढका हुआ होता है वो उसको हम पर्यावरण कहते हैं। या इसको विस्तृत रूप में देखें तो यह कह सकते हैं कि हमारे आसपास का वातावरण जिससे हमारी यह पृथ्वी आच्छादित है वह पर्यावरण है। अर्थात पृथ्वी में जितनी चीजें हमको दिखाई देती हैं वे सारी चीजें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। क्या चीजें आप देखते हैं? आप अपने मकान को देखते हैं, मार्ग को देखते हैं, वनों को देखते हैं, पर्वतों को देखते हैं, पठारों को देखते हैं, नदियों को देखते हैं, तालाबों को देखते हैं, रेगिस्तान को देखते हैं। ये सारी चीजें हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। तो आइए आज हम पर्यावरण क्या है और इसमें किस तरह का परिवर्तन आज परिलक्षित हो रहा है और इन सब के कारण हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है इसके विषय में जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हम चर्चा कर रहे हैं पर्यावरण की। तो पर्यावरण की किस तरह से रक्षा हमें करनी चाहिए, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है आज जो आधुनिक आविष्कार हो रहे हैं हुए हैं इन सब के। प्यारे बच्चों, तो आज पर्यावरण में किस तरह का परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है आधुनिक आविष्कारों के फलस्वरूप। हम देखते हैं कि विभिन्न स्थानों पर कल कारखाने लगे हुए हैं, विभिन्न मार्गों पर मोटर गाड़ियां जो हैं बहुत तीव्र गति से चल रही हैं और अंधाधुंध चल रही हैं। इसके कारण से संपूर्ण वातावरण कैसा हो गया है, संपूर्ण वातावरण जो है दूषित तो होता जा रहा है और इस सबका परिणाम हमारे पर्यावरण पर पड़ता है। आइए इस पाठ में क्या चीजें बताई गई हैं इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। मनुष्यो यत्र निवसति यत् खादति यत् वस्त्रं धारयति यत् जलं पिबति यस्य पवनस्य सेवनं करोति एतत् सर्वं पर्यावरणम् इति शब्देनाभिधीयते। मनुष्य जहां निवास करता है, हम जहां रहते हैं, आप जहां रहते हैं, यह स्थान, हम जो खाते हैं, यत खादति जो खाता है मनुष्य है, यत्र निवसति मनुष्य जहां निवास करता है, जो खाता है, यद वस्त्रम धारयति जो वस्त्र वह धारण करता है पहनता है, यद जलम पीबति और जिस जल को वह पीता है, यस्य पवनस्य सेवनम करोति और जिसके पवन का वह सेवन करता है, जिस वायु का हम सेवन करते हैं, श्वास ग्रहण करते हैं ना। हाँ, तो हम क्या करते हैं, जैसे आप यदि विज्ञान की भाषा में कहते हैं, जानते हैं, पढ़े आपने विज्ञान, तो विज्ञान में यह कहा जाता है कि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जिस वायु को हम ग्रहण करते हैं वो भी, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे पर्यावरण के हिस्से हैं। एतत् सर्वं पर्यावरणम् इति शब्देनाभिधीयते और ये सभी अर्थात हमारे रहने का स्थान, हमारे जो खाने के सामान है वो, या जहाँ उत्पन्न होता है वह स्थान, जिन वस्त्रों को हम धारण करते हैं, जिस जल को हम पीते हैं, अर्थात जिन चीज़ों को हम अपने आसपास देखते हैं, चाहे खाने की चीज़ें हों, पीने की चीज़ें हों, सांस लेने की चीज़ें हों, या रहने की चीज़ें हों, या उपयोग करने की चीज़ें हों, ये सब एतत् सर्वम यह सब पर्यावरणम इति शब्देनाभिधीयते, ये सभी जो हैं पर्यावरण शब्द से अभिहित किया जाता है, अर्थात ये सभी पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। प्यारे बच्चों, यहां यह जो अंश देख रहे हैं इसमें कुछ अव्यय पद भी दिखाई दे रहे हैं,
जैसे यत्र, यत्र क्या है, यह अव्यय पद है। अव्यय पद किसको कहते हैं, इसी को हम हिंदी में अविकारी शब्द भी कहते हैं, अर्थात वे शब्द जिनका स्वरूप नहीं बदलता है, वो सदैव यथावत होते हैं, एक जैसा रहता है, ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं, हिंदी में अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यत्र, यत्र क्या है, यह अव्यय पद है, जहां भी हम प्रयोग करेंगे, लिंग, वचन, पुरुष, अलग अलग लिंगों में, वचनों में, पुरुषों में भी इसका प्रयोग किया जाए तो भी इसका स्वरूप नहीं बदलता है, यह सदैव एक जैसा होता है, इसीलिए यह अविकारी शब्द है, यह अव्यय शब्द है। ऐसे ही इति, यह भी क्या है, यह भी अव्यय शब्द है। शब्दे नाभिधीयते, यह शब्द कैसे बना, इस पर चर्चा करते हैं। शब्देन धन अभिधीयते इति शब्दे नाभिधीयते, शब्देन धन अभिधीयते, यहां पर और अ मिलकर आ बनता है, अपने संधि पढ़ा है ना, हाँ बिल्कुल सही। तो वैसे ही यह जो शब्द है वह संधि का उदाहरण है, इस शब्द में संधि हुई है, क्या बता सकते हैं कौन सी संधि हुई है, शब्देन धन अभिधीयते, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, यहां पर दीर्घ स्वर संधि है। क्यों दीर्घ स्वर संधि हुआ, क्योंकि शब्दे न कहते इसका और अभिधीयते का और अ मिलकर आ बनता है, इसलिए यह हो गया शब्दे नाभिधीयते। और शब्देन यह जो पद है यह कैसे बना, देखिए हमें पदों को पहचानना भी आना चाहिए, शब्दों को पहचानना भी आना चाहिए। जैसे आप कारक रचना पढ़ते हैं, कारक रचना या जिसको हम शब्द रूप भी कहते हैं, जैसे आपने बालक का शब्द रूप याद किया है ना, बालकः बालकौ बालकाः बालकं बालकौ बालकान, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है बालकेन, वैसे ही शब्द कहते हैं, शब्द शब्दौ शब्दा शब्दम शब्दौ शब्दान शब्देन, जैसे यथा बालकेन तथा शब्देन, तो जैसे बालक में तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग होने पर बालकेन बनता है, वैसे ही शब्द में यह जो शब्द है इसमें तृतीय विभक्ति एक वचन के यदि प्रयोग किया जाए तो इसका रूप भी बालक जैसा होगा, जैसे बालकेन बनता है वैसे यह भी शब्देन बनेगा। अभिधीयते ये कैसे बनता है, ये यहां पर अभी जो है उपसर्ग है और धी धातु है, ये तो इस तरह से शब्देन अभिधीयते बनता है, शब्देन धन अभिधीयते, तो शब्द से अभिहित किया जाता है, शब्द से जाना जाता है, इसका यह तात्पर्य। तो देखिए हमारे आसपास क्या होता है, हम जिन घरों में रहते हैं आप चित्र में देख भी पा रहे हैं, छोटे छोटे घर जो बने हुए हैं, इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत से लोग जो हैं वे इसी तरह के घरों में रहते हैं, इस तरह के घरों से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो वनांचल क्षेत्र के लोग हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं, वे इन जो घर बने हुए हैं इन घरों को भली भांति पहचानते हैं, बिल्कुल ये उनके अपने घर जैसा ही है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में इस तरह के घर जो है बहुतायत में मिलते हैं। और जो पहला चित्र आप देख रहे हैं जिसमें कुछ महिलाएं खेतों में काम कर रही हैं, जैसे हम कहते हैं भारत की अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर आधारित है, या कहें कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है, भारत की 70% आबादी जो है गांवों में निवास करती है और गांव में रहने वाले लोग प्रायः खेती करते हैं, तो खेती के काम में न केवल पुरुष अपितु महिलाओं का भी बराबर सहयोग रहता है, कदम से कदम मिलाकर चलती हैं काम करने के क्षेत्र में, मजदूरी करने के क्षेत्र में, श्रम के क्षेत्र में, तो खेतों में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के भी अहम भागीदारी होती है, अहम भूमिका होती है, जैसे आप चित्र में देख भी पा रहे हैं। मनुष्यों, हाँ देखिए हमारे आसपास और क्या होता है, जैसे पहला चित्र आपको दिखाई दे रहा है, पहला चित्र है एक नदी दिख रही है, हाँ आप नदियों के विषय में जानते हैं ना, आप जिन क्षेत्रों में रहते हैं वहां आसपास कोई ना कोई नदी तो होगी, आपको ये छत्तीसगढ़ की जो नदियां हैं इन नदियों के विषय में जानकारी होनी चाहिए। और ऐसे ही दूसरा चित्र जो दिखाई दे रहा है ये एक पर्वतीय क्षेत्र का चित्र है, देखिए छत्तीसगढ़ का जो भूभाग है वो कैसा है,
ये वनों से आच्छादित है और अधिकांश भूमि जो है स्थान स्थान पर हमें पर्वतीय क्षेत्र अर्थात जिसको हम कहते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्र किसको कहते हैं, जो ऊपर का हिस्सा होता है। देखिए भूमि तीन प्रकार के होते हैं, भूगोल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, समतल भूमि, पठारी भूमि और पर्वतीय भूमि। तो यहां पर यह जो दृश्य दिखाई दे रहा है आपको, यह पर्वतीय क्षेत्र का है। अधुना पर्यावरण से समस्या न केवलम स्वदेशस्य अपितु समस्त विश्वस्य समस्या वर्तते। यज्जलं यश्च वायुः अद्य उपलभ्यते तत् सर्वं मलिनं दूषितं च दृश्यते। अधुना, अधुना का मतलब होता है अब, आजकल पर्यावरण से समस्या, पर्यावरण की समस्या न केवलम स्वदेशस्य, न केवल अपने स्वदेश कहते हैं, स्व मतलब होता है अपना, स्वदेशस्य अपने देश का। तो अधुना पर्यावरण से समस्या न केवलम स्वदेशस्य, यह पर्यावरण की जो समस्या है वह आजकल न केवल अपने देश की एव अपितु समस्त विश्व से समस्या वर्तते, संपूर्ण विश्व की यह समस्या बन गई है। यह जो पर्यावरण है यह केवल हमारे देश की समस्या नहीं बनी हुई है, अपितु विश्व में जितने देश हैं उन सबके समक्ष पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो गई है। क्यों? क्योंकि आधुनिक विकास के नाम पर जितने कल कारखाने स्थापित किए गए हैं, इनके कारण से हमारा पर्यावरण दूषित हो गया है। और पर्यावरण के दूषित हो जाने के कारण लोगों को शुद्ध जल पीने को नहीं मिल रहा है, शुद्ध वायु प्राप्त नहीं हो पा रही है, सर्वत्र प्रदूषित वातावरण दिखाई देता है। तो यह जो समस्या है पर्यावरण की, या पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या है, वह केवल हमारे देश की नहीं है, अपितु विश्व के सभी देशों की यह समस्या बन गई है। और इस समस्या के कारण हुआ क्या? यज जलम, जो जल हमें प्राप्त होता था, यश्च वायु, और जो वायु हमें प्राप्त होता था, जिस पानी को हम पीते थे, पहले के लोग जो हैं वे नदियों के तालाबों के पानी को पिया करते थे, वो पानी उस समय शुद्ध हुआ करता था। लेकिन आज स्थितियां ऐसी नहीं रह गई हैं, आज यदि आप तालाब के या नदी के पानी को पियेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो पानी कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए पीने का। तो पीने के लिए जो पानी हमारे नलकूपों से जो निकल रहे हैं, वे नलकूपों से निकलने वाले पानी भी भूजल स्तर नीचे चले जाने के कारण से बहुत से जो नलकूप हैं वे गर्मियों के समय में काम करना बंद कर देते हैं। तो आज हमें जो जल मिल रहा है, पहले स्थान स्थान पर गांव गांव में कुआं हुआ करता था पानी पीने के लिए, और अब कुओं का स्थान नलकूप ने ले लिया है। तो ठीक है, जहां से भी हमें जल मिले पीने को, लेकिन वो जल जो है शुद्ध हो, हमारे स्वास्थ्य के लिए यह आवश्यक है। तो यह जलम यश्च वायु, तो जो जल और जो वायु हम ग्रहण करते हैं वो कैसा होना चाहिए? वो शुद्ध होना चाहिए। लेकिन वातावरण प्रदूषित हो गया है, पर्यावरण प्रदूषित हो गया है, तब जो जल और वायु आज हमें उपलब्ध हो रहा है, अद्य उपलब्ध्यते, आज उपलब्ध हो रहा है, तत् सर्वम मलिनम दूषितम च दृश्यते, वह सब कुछ मलिन अर्थात गंदा हो गया है, और दूषितम च, और दूषित हो गया है, गंदा हो गया है और दूषित दिखाई देता है। पीने की तो बात अलग है, दूर से देखने से ही हमें कैसा दिखाई देता है? वो मलिन और दूषित दिखाई देता है। तो ऐसे को जो मलिन हो या गंदा जो दिखाई दे रहा है, जो दोष युक्त दिखाई दे रहा है, ऐसे जल को आप पियेंगे क्या? आप पीना पसंद करेंगे? नहीं ना। हाँ बिल्कुल, हमको पीना है तो कौन सा पानी पियेंगे? बिल्कुल शुद्ध और साफ पानी हम पियेंगे, जो छाना हुआ है उस पानी को हम पियेंगे। तो ऐसे ही वातावरण की, वायु की बात करते हैं, तो जहां पर प्रदूषण रहता है ऐसे स्थान पर रहना कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी स्थितियां ऐसी होती हैं रोजगार आदि के कारण लोगों को ऐसे प्रदूषित क्षेत्रों में जाना भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनको काम करना है, उन क्षेत्रों में उन्हें काम मिल रहा है, या उन क्षेत्रों में उन्हें हो सकते हैं अच्छी आमदनी हो रही हो, इसलिए लोग जो है ऐसे क्षेत्रों में जाकर काम कर रहे हैं। लेकिन ये सभी स्थितियां कैसी है? बहुत विकट है, गंभीर है। तो ऐसे वातावरण हमें प्राप्त ना हो, या हम ऐसे वातावरण से बचें, जितना हो सके हम शुद्ध वायु को ग्रहण करें, इसके दिशा में हमें प्रयास करना होगा। तो वातावरण को शुद्ध करना ये हम सबका दायित्व है,
वातावरण को शुद्ध कैसे कर पाएंगे, इस दिशा में हमें सोचने और चिंतन करने की आवश्यकता है और आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। तो वातावरण शुद्ध कैसे होगा, वातावरण शुद्ध होगा वृक्ष लगाने से, पेड़ लगाने से। आप पौधों का रोपण कीजिए, जैसे आप चित्र में देख भी पा रहे हैं, बढ़िया सुंदर सा बरगद का वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है। बरगद की घनी छाया जो होती है, इसमें बहुत से पशु पक्षी प्राणी आश्रय पाते हैं, विश्राम पाते हैं, शांति प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, छोटे छोटे पौधों को का रोपण करना है, और इन पौधों का रोपण करेंगे तभी निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण जो है भविष्य के लिए सुरक्षित होगा। आने वाले समय में जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन लोगों को भी अच्छा वातावरण प्राप्त हो पाएगा। उद्योगशाला नाम मलिनम जलम नालिका नाम माध्यमिन गंगा सदृशिम पावनिम नदीम अपि मलिनायते धूम नलिकाभ्यः निसरण दूषितो धूम राशि अद्य पवित्रमपि आकाशम दूषयति समस्तम जल वायुमंडलम पर्यावरणम विकृतम करोति। उद्योगशाला नाम जितने उद्योग स्थापित हुए हैं, जितने कल कारखाना स्थापित हुए हैं, जैसे आप चित्र में देख भी पा रहे हैं, कारखाना स्थापित है और वहां से लंबी लंबी चिमनियां निकली हुई हैं और इनसे दिन रात लगातार अनवरत 24 घंटे ये काला धुआं और काला धुआं ही निकलते रहता है। तो ऐसे धुओं के निकलने से, देखिए जितने उद्योग धंधे हैं वहां से एक तो धुआं निकलता है और दूसरा कुछ अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं इनको भी क्या किया जाता है, जल में प्रवाहित कर दिया जाता है, नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। ऐसा यदि कर दिया जाता है तो आप सोचिए कि क्या जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, जो दूषित पदार्थ हैं, इन पदार्थों को यदि नदी नाले के जल में यदि प्रवाहित किया जाए तो क्या नदी या नाले का जो जल है वह शुद्ध रह पाएगा, नहीं ना। तो ऐसे में क्या होगा कि जो नदियां पवित्र हैं, जिनके जल का सेवन पहले लोग किया करते थे, आज उस जल में लोगों को स्नान करने से पहले भी सोचना पड़ता है कि इसमें हम स्नान करें कि ना करें। हो सकता है दूषित जल में यदि आप स्नान करते हैं तो उससे त्वचा संबंधी अनेक रोगों से आप ग्रस्त हो जाएं। तो इसलिए हमें इन सबसे बचना है। तो उद्योगशाला नाम मलिनम जलम, उद्योगों से निकलने वाला, देखिए कुछ जल उद्योगों से जो अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो तो धुएं के रूप में उड़ जाते हैं, कुछ को जल में बहा दिया जाता है और उसको क्या करते हैं नालियों के माध्यम से बहा दिया जाता है। तो उद्योगशाला नाम उद्योगशालाओं के अर्थात जो उद्योग कल कारखाने हैं वहां से मलिनम जलम, जो मलिन जल जो दूषित जल होता है जिसके कारण से उद्योगों में शोधन का कार्य किया जाता है, शुद्ध करने का जो कार्य किया जाता है, जो अयस्क होते हैं उनका परिमार्जन जब किया जाता है तब वहां पर जल की आवश्यकता होती है। तो अयस्कों से धातु आदि को प्राप्त करने के लिए, उसका शोधन करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। तो अयस्कों का शोधन करने के पश्चात अब जो जल है वो तो दूषित हो गया, अब उस जल को क्या किया जाता है, उसको नालियों के माध्यम से बहा दिया जाता है। और नालियों से जब बहा दिया जाता है तब वह जल कहाँ जाएगा, वह जल जो है नालों के माध्यम से नदियों तक पहुँचता है और नदियों से फिर समुद्र तक पहुँचता है। तो जल जो है मलिन जल, गंदा जल जो कारखानों से निकल रहा है वो नालिका नाम माध्यमेन गंगा सदृशिम पावनिम नदी, गंगा जैसी जो पवित्र नदियां हैं उन सबको मलिन आए थे, उन सबको भी यह मलिन करता है, गंदा करता है। देखिए जैसे संगति करते हैं वैसा तो प्रभाव होगा। अब ये जो गंदा है अवशिष्ट है ये जब जल के साथ, जल जैसे पवित्र के साथ जाएगा तो क्या करता है, उसको भी दूषित करेगा, उसको भी गंदा कर देता है। धूम नलिकाभ्य निःसरण दूषितो धूम राशि, और इसी तरह से इन चिमनियों के माध्यम से ये जो काला काला धुआं निकलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ये तो केवल एक नमूना है, एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा आप अपने आसपास देख सकते हैं। आप जिस परिवेश में रहते हैं वहां मोटर गाड़ी का उपयोग किया जाता है, वहां से इस तरह के धुएं निकल रहे हैं। जितने मोटर्स देखते हैं, जितना मोटरसाइकिल्स आप देख रहे हैं, इन सभी से क्या होता है, इन सभी से इस तरह के काले काले धुएं प्रतिदिन निकलते जा रहे हैं। और इन सब के कारण हमारा जो वातावरण है, हमारा जो वायुमंडल है वह दूषित हो रहा है। तो धूम नलिकाभ्य निःसरण, धूम नलिकाओं से निकलता हुआ दूषितो धूम राशि है, दूषित धुओं की राशि, धुओं का समूह अर्थात गंदे धुओं का समूह,
अद्य आज पवित्रमपि, पवित्रमपि मतलब पवित्रम धन अपि इति पवित्रमपि, तो पवित्र आकाश को भी दूषयति, दूषित कर रही है। तो इन नलिकाओं से निकलने वाला जो है काला काला धुआं है, काला और जहरीला धुआं जो है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे और भी पता नहीं क्या क्या इसमें जहरीले तत्व समाहित होते हैं, तो वे सभी धुएं से युक्त ये धुएं जो है निकलते हैं और वायुमंडल में जाकर समा जाते हैं। लेकिन वायुमंडल में समाते ही नहीं है, अभी तो वहां समाते समाते वायुमंडल को भी ये दूषित करते हैं। तो इस तरह से उद्योगों से निकलने वाले दूषित जल और दूषित वायु के कारण हमारा जो संपूर्ण जल वायुमंडल, देखिए पर्यावरण जब कहते हैं तो पर्यावरण में आप जल थल और वायु ये सब का समावेश होता है, तो ये सभी विकृत होते हैं। तो समस्तम जल वायुमंडल पर्यावरण विकृतम करोति, तो कल कारखानों से निकलने वाला ये जहरीला धुआं और वह गंदा पानी, दूषित पानी, ये क्या करता है, जल और वायुमंडल को दूषित कर रहा है, निरंतर कर रहा है। यदि कहीं पर अभी आप देख रहे हैं उद्योगों से इस तरह का धुआं निकल रहा है, मतलब वो हमारे वातावरण को दूषित कर रहा है। आप जहां से भी देखते हैं इस तरह के धुआं यदि निकल रहे हैं, यदि आपके घरों में यदि चूल्हा जलता है लकड़ी से जलने वाला, तो वहां से भी जो धुआं निकलता है इससे भी हमारा वातावरण दूषित होता है। जहां से भी इस तरह का धुआं निकलता हुआ दिखाई दे, चाहे वो कारखाना हो, चाहे हमारे घर का चूल्हा हो, या मोटर हो, मोटर गाड़ियां हो, मोटरसाइकिल्स हो, ये जितनी चीजें हैं जहां से भी ये धुआं निकल रहा है, ये धुआं जो है कहीं पर भी शुद्ध नहीं होता है, ये सदैव और सदैव क्या होता है, ये दूषित ही होता है और ये हमारे वातावरण को दूषित करने का कार्य करता है। आधुनिकाः वैज्ञानिकाः आण्विकाः प्रयोगाः अपि पर्यावरणस्य प्रदूषकं संवर्धयन्ति। गतदिवसेषु इराक अमेरिका देशयोः भीषणे युद्धे प्रयुक्तैः आयुधैः समुद्रस्यापि जलं दूषितं, तैलकूपेष्वपि अग्निः प्रज्वलिता, फलतः प्रत्येकः प्राणी शुद्धं प्राणवायुं प्राप्तुं न शक्नोति। दिवसे दिवसे च स्वास्थ्यम क्षीणम भवति। आधुनिकाः, आधुनिकाः मतलब आधुनिक युग के वैज्ञानिकाः, वैज्ञानिक गण, देखिए वैज्ञानिकों का विषय हम जानते हैं, वैज्ञानिक क्या करते हैं, ये विज्ञान संबंधित अनेक तरह की खोज करते हैं, तरह तरह की दवाइयों का ये खोज करते हैं, आविष्कार करते हैं, वैक्सीन का आविष्कार करते हैं। तो न केवल ये दवाइयों का आविष्कार करते हैं अपितु विभिन्न क्षेत्रों में ये वैज्ञानिक दिन रात लगे रहते हैं आविष्कार करने के लिए। तो वैज्ञान आधुनिक आह वैज्ञानिक, आजकल के जो वैज्ञानिक हैं वे आण्विकाः प्रयोगाः अपि पर्यावरणस्य प्रदूषकं संवर्धयन्ति। आजकल के वैज्ञानिकों के द्वारा ये जितने आण्विक प्रयोग हो रहे हैं, अणु एवं परमाणु परीक्षण जो किया जा रहा है, इन सबसे हमारा पर्यावरण का जो प्रदूषण है ये कैसा होता है, ये बढ़ते जा रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। जितने इस तरह के प्रयोग हो रहे हैं, जितने अणुबम परमाणु बम बना रहे हैं, जितने हम अणु शक्ति संपन्न देश या परमाणु शक्ति संपन्न देशों की चर्चा करते हैं, इन सबके द्वारा जितने इस तरह के परीक्षण किए गए हैं, इन सभी परीक्षणों से चाहे विज्ञान के क्षेत्र में कितना उन्नति हुआ हो, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से ये हमें नुकसान ही किए हैं, अर्थात पर्यावरण का नुकसान किए हैं, पर्यावरण को इन्होंने दूषित करने का कार्य किया है और कर रहे हैं। संवर्धयन्ति, पर्यावरण के प्रदूषण को ये बढ़ा ही रहे हैं, कम करने का कार्य इन्होंने नहीं किया है। गत दिवसेषु, पिछले कुछ समय में इराक अमेरिका देशयोः, देखिए विश्व के अनेक देशों के विषय में आप जानते हैं, अपने देश का नाम तो आप जानते ही हैं, भारत है, और साथ ही साथ आपको विश्व के अन्य देशों के नाम लेना है, आपको नाम पूछा जाए क्या बताएंगे आप, तब वहां पर नाम आता है सबसे पहले अमेरिका, रूस, जापान, इटली, फ्रांस, इनका नाम लेते हैं। लेकिन आपसे यह कहा जाए कि ऐसे कौन से देश हैं जहां से पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त होते हैं, तब तब आपका ध्यान सीधा सीधा खाड़ी देशों की ओर जाएगा, और उन देशों में ईरान, इराक, कुवैत,
और सऊदी अरब जैसे जो देश हैं इनका नाम सामने आता है। तो ये जो इराक है ये कैसा है, ये पेट्रोलियम पदार्थों से संपन्न देश है। तो पिछले कुछ समय में अमेरिका जो विश्व का सर्वशक्ति संपन्न देश है उसकी नजर इराक पर पड़ी और इराक अमेरिका देश इराक और अमेरिका देश के भीषण युद्ध में प्रयुक्त आयुध ही है। तो अमेरिका ने इराक के ऊपर आक्रमण किया और जो भीषण युद्ध हुआ उसमें जो प्रयुक्त आयुध जो जिन अस्त्रों का प्रयोग किया गया था वे यही आणविक बमों का प्रयोग उन्होंने किया था, समुद्र में किया था। समुद्र स्यापि जलम दूषितम, और इससे समुद्र का जल जो है दूषित हुआ। देखिए कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ था कि जो पेट्रोलियम पदार्थ है ये जो तेल, जैसे हमारे यहाँ भारतवर्ष में या छत्तीसगढ़ में जब कुआं खोदा जाता है तो वहां से जल प्राप्त होता है, लेकिन ये जो खाड़ी देश जिसको कहा जाता है यहाँ की जब खुदाई की जाती है कुओं के रूप में तब वहां से पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त होता है। तो ऐसे ही पेट्रोलियम पदार्थ जो है समुद्र में छोड़ दिया गया था जिससे जल भी दूषित हुआ और आण्विक प्रयोग जो किए गए हैं इससे वातावरण दूषित हुआ। और कुछ कुएं तो ऐसे भी थे, जब युद्ध छिड़ा था ईरान और अमेरिका के मध्य तब कुछ कुओं में आग लगा दी गई थी। तेल कुपे सोपी अग्नि प्रज्वलिता, तेल के कुओं में अग्नि जला दी गई थी, आग लगा दी गई थी। और ऐसा करने से देखिए तेल के कुएं में यदि आग लगा दिए, पेट्रोलियम पदार्थ से भरा हुआ कुआं है उसमें आग लगा दिया जाए तो क्या होगा? हम जानते हैं विभिन्न गाड़ी मोटर में देखते हैं पेट्रोलियम पदार्थ उसमें डीजल पेट्रोल जलते हैं और इसके कारण से जब गाड़ी प्रारंभ होता है चालू होता है तब वहां से काला काला धुआं निकलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही तेल के कुएं में जब आग लगा दिया गया तब वहां से कितना धुआं निकला होगा और लगातार निकला होगा, इससे हमारा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? निश्चित रूप से पर्यावरण प्रभावित होगा, दूषित होगा। और इससे फलतः प्रत्येक प्राणी, इसके कारण से प्रत्येक प्राणी शुद्ध प्राण वायु प्राप्त न सकनोति। प्रत्येक प्राणी को, अर्थात न केवल मनुष्यों की बातें कही जा रही हैं अभी, तो जितने जीव जंतु हैं उन सबको भी शुद्ध प्राणवायु, प्राणवायु कहते हैं ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन के कारण हमारे प्राण जो हैं वो सुरक्षित रहते हैं, वो गतिमान रहते हैं, सतत रहते हैं। तो प्रत्येक प्राणी को प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन प्राप्त न सकनोती। तो ये इस तरह के तेल के कुओं में जैसे आग लगा दी गई, इन कारण से पूरा पर्यावरण क्या हो गया? प्रदूषित हो गया। और फिर उस वायु प्रदूषण का परिणाम समस्त प्राणियों को भोगना पड़ा। दिवसे दिवसे स्वास्थ्यम क्षीणं भवति, और जब शुद्ध वायु हमें ग्रहण करने को नहीं मिल रहा है, फेफड़ों में जब शुद्ध ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है, तब ऐसी अवस्था में निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य जो है कैसा होगा? क्षीण होगा, कमजोर होगा। तो ऐसे ही सभी प्राणियों के लिए यह एक गहरा संकट उत्पन्न हो गया था। तो दिवसे दिवसे च स्वास्थ्यम क्षीणम भवति, दिन दिन लोगों का स्वास्थ्य जो है नष्ट होने लगा था। अस्माकं पूर्वजाः, हमारे पूर्वज पर्यावरण से शुद्धता यही उपवनानाम उद्यानानाम च रोपणाय धार्मिकं विधानम यज्ञानाम अनुष्ठानम च कुर्वन्ति स्म। साम्प्रतम वनानाम छेदनेन वृक्षाणाम अभावो भवति, तेषाम अभावे अपेक्षिता वृष्टि न भवति, येन अनावृष्टेः प्रकोपो वर्धते, अनावृष्टिः कृषि कार्यम बाधते। हमारे जो पूर्वज हैं, देखिए अभी आप चित्र देख पा रहे हैं, जब तेल के कुओं में उस तरह की आग लगा दी गई पूरा पर्यावरण नष्ट हो गया, तब जितने पेड़ पौधे थे वो भी सूख गए थे। पहले के लोग जो है पौधों लगाते थे, पौधों लगा लेकिन क्या करते थे, वे धार्मिक अनुष्ठान करते थे। ये संकल्प आप भी ले सकते हैं, जब आपका जन्मदिन मनाया जाता है उस दिन आपको तरह तरह के उपहार प्राप्त होते हैं, इसके बदले में आप समाज को क्या देते हैं, आप लोगों को क्या देते हैं? नहीं, यहां आपको एक संकल्प करना हो, आप यह संकल्प करें कि जब आपका जन्मदिन हो उस दिन आप एक वृक्ष का रोपण करें, एक पौधे का रोपण करें,
केवल रोपण ना करें, ध्यान दीजिएगा, पौधे तो रोप लेते हैं हम आसानी से, लोगों में यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि पौधा रोपण तो करते हैं, बड़ी छाया चित्र भी खिंचवाते हैं, लेकिन उस पौधा रोपण के पश्चात उस पौधे को भूल जाते हैं। यह नहीं करना यार, आपको क्या करना है, आपको यह करना है कि आप अपने जन्मदिन के दिन एक पौधे का रोपण करेंगे और उस पौधे की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लेंगे। आप पौधे से पेड़ बनने तक उसकी सुरक्षा करें। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आपका जन्मदिन मनाना भी सफल होगा। और ये बातें जो है धार्मिक अनुष्ठान के अंतर्गत होगी, हमारा जो उत्सव है जन्मदिन का उत्सव है वो एक यादगार भी हो जाएगा। अब से आपके जितने भी जन्मदिन होंगे आप देखेंगे, जितने जन्मदिन आप मनाते जाएंगे उन सभी में एक एक पौधे आप रोपते जाइए, देखिए धरती कैसे हरी भरी होने लग जाएगी। अस्माकं पूर्वजा, हमारे जो पूर्वज रहे हैं वे पर्यावरण से शुद्धता, यही पर्यावरण की शुद्धता के लिए उपवनानाम उद्यानानाम च, उपवन और उद्यानों के रोपणाय, रोपण के लिए अर्थात उपवन बगीचे और उद्यान को लगाने के लिए क्या करते थे, वे करते थे धार्मिक विधानम, धार्मिक विधान करते थे, यज्ञ नाम अनुष्ठानम च कुर्वन्ति स्म, और यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते थे, अर्थात जो कोई भी मंगल कार्य करते थे उस समय एक पौधे का रोपण करते थे। हम समाज में रहते हैं, समाज में जैसे किसी का विवाह होता है उस समय एक वृक्ष लगाया जाए, ये हमारे पूर्वजों की व्यवस्था रही थी। तो इसके कारण से हम देखते हैं जैसे छत्तीसगढ़ को कहते हैं कि वनों से आच्छादित प्रदेश है, किंतु है तो सांप्रतम वनानाम छेदनेन वृक्षाणाम अभावो भवति, किंतु आजकल लोग यह देखने में आ रहा है कि लोग जो है पौधे का रोपण कम करते हैं, अपितु जो पेड़ तैयार हैं उन पेड़ों को क्या करते हैं, छेदनेन काट रहे हैं, काटने से वृक्षाणाम अभावो भवति, वृक्षों का अभाव हो रहा है। आप पौधों का रोपण तो कर नहीं रहे, पेड़ काटे जा रहे हैं, क्या होगा स्थिति, निश्चित रूप से यह जो धरती हरी भरी दिखाई दे रही है, जो वनों से आच्छादित दिखाई दे रही है, ये ऐसा स्थिति ये चलता रहा तो निश्चित रूप से हमारी धरती जो है वनों से रहित तो हो जाएगा और ये हम सब के लिए विकट स्थिति होगी, पर्यावरण के लिए भी। तो इस स्थिति से बचना है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यह करना होगा कि हम संकल्प लें कि पौधों का रोपण करें और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लें। तो अभी जो स्थिति चल रही है, सांप्रतम वनानाम छेदनेन वृक्षाणाम अभावो भवति, इस समय वनों को काटने से वृक्षों का अभाव हो रहा है, इस स्थिति से हम बच पाएंगे। तेसाम अभावे, और उनके अभाव में अपेक्षिता वृष्टि न भवति, और उनके अभाव में अपेक्षित वृष्टि, वृष्टि कहते हैं वर्षा को। देखिए वन जो होते हैं क्या करते हैं, वन जो होते हैं ये काले काले जो बादल होते हैं, मेघ होते हैं, इनको आकर्षित करते हैं, वर्षा करने वाले जो बादल होते हैं इनको और इनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं और फिर उसके कारण से धरती में वर्षा होती है। लेकिन जब इस तरह से वनों की निरंतर कटाई की जाती रहेगी तब, और ऐसा किया जाता रहा है, इसी का परिणाम है कि असमय वर्षा होती है, जिस समय वर्षा होनी चाहिए उस समय वर्षा नहीं होती। आप देखते हैं समाज में जब वर्षा नहीं होने चाहिए उस समय वर्षा हो जाता है, लेकिन जिस समय आवश्यकता होती है वर्षा की उस समय वर्षा नहीं होती है। ये सब कैसे हुआ, ये सब होता है पर्यावरण को नुकसान होने के कारण से, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने के कारण से, और ये पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ने में मनुष्यों का ही सबसे बड़ा हाथ है। मनुष्य जो अपने आप को धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी मानता है और है भी, वो ही अपनी बुद्धि का प्रयोग क्या करता है, पर्यावरण को नष्ट करने में लगाता है। इसके कारण से ये जो जिस समय वर्षा होनी चाहिए नहीं हो पाती है। ये न जिससे अनावृष्टेह प्रकोपो वर्धते, जिससे वर्षा न होने का जो प्रकोप है यह बढ़ रहा है, अर्थात कब वर्षा होगा इसकी कोई सुनिश्चित घोषणा नहीं की जा सकती, भविष्यवाणी नहीं की जा रही है। कई बार हम देखते हैं आसमान में काले काले बादल तो दिखाई देते हैं लेकिन बिना बरसे चले जाते हैं, ये सब हुआ है इस तरह के वनों को नुकसान करने के कारण से। और जब समय पर वर्षा नहीं होती है तब अनावृष्टि कृषि कार्यम बाधते, जब समय पर वर्षा नहीं होती है तब कृषि का जो कार्य है, खेती का जो कार्य है वह बाधित होता है। भाई खेती के लिए पानी आवश्यक है,
जब पानी नहीं होगा खेती के लिए, जिस समय पानी की आवश्यकता है उस समय पानी गिरेगा ही नहीं, वर्षा नहीं होगी तो कहाँ से खेती संपन्न हो पाएगा। जैसे कहा जाता है भाई, का वर्षा जब कृषि सूखा नहीं, अरे जिस समय आवश्यकता है उस समय पानी ना गिरे, बाद में यदि गिरता है तो क्या उस बाद में गिरने वाले पानी से हमारे खेत को लाभ होगा, कृषि कार्य को लाभ होगा? नहीं। तो समय पर वर्षा होना चाहिए। तो समय पर वर्षा हो इसके लिए आवश्यक है कि हम धरती को हरा भरा रखें, वनों का निर्माण करके रखें, वनों को हम बनाएं लगाएं। शुद्ध वायु अपि न लभ्यते, और लोगों को शुद्ध वायु भी नहीं मिल पा रहा है। शुद्धम वायु बिना प्राणिनः अस्वस्थाः रुग्णाश्च जायन्ते। और जब लोगों को शुद्ध वायु शुद्ध जल नहीं मिलता है तब लोग जो है न केवल मनुष्य अपितु अन्य प्राणी भी अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं। रुग्णाश्च जायन्ते, अस्वस्थ और रोगी हो जाते हैं। इत्थम इस प्रकार पर्यावरण से महत्वम सर्वविदितम, इस प्रकार से हम पर्यावरण के महत्व को समझ सकते हैं, और इसके महत्व को समझकर पर्यावरण की रक्षा के लिए जो उपाय आवश्यक हैं ये उपाय हम लोगों को करना आवश्यक है। तो इसके लिए आपको यह संकल्प लें कि आप एक एक पौधे का रोपण करें और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लें। अस्य रक्षा यही, और इसकी रक्षा के लिए वयम सर्वथा सचेष्टा भवेम, और हम सब रक्षा यही, अस्य रक्षा यही, कस्य रक्षा यही, पर्यावरण से रक्षा यही, पर्यावरण की रक्षा के लिए वयम हम सब सर्वथा सभी प्रकार से सचेष्टा भवेम, चेष्टा करेंगे अर्थात इसके लिए जुट जाएंगे, जिससे लोगों को पीने के लिए पर्याप्त पानी मिले, शुद्ध पानी मिले और शुद्ध वायु उन्हें प्राप्त हो, जिससे संसार के समस्त प्राणी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। आप जिस चित्र में देख भी पा रहे हैं किस तरह से एक चिड़िया जो है एक पानी के बूंद के लिए तपस्या कर रही है, लगी हुई है, कहाँ से एक बूंद पानी का मिल जाए उसके लिए प्राणी, सभी प्राणी देखिए, ये वायु और जल जो है ये हम सभी प्राणियों के लिए, संसार में जितने प्राणी हैं इन सब के लिए आवश्यक है। तो ये कल कारखानों से जो बड़े बड़े चिमनियां निकली हुई हैं, जिससे ये जो धुएं निकल रहे हैं काले सफेद और तरह तरह के, ये जो धुएं हैं ये सभी क्या कर रहे हैं, हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, इसके वातावरण के पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं, जिसके कारण से समय पर वर्षा नहीं होती है और तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और जब पर्यावरण यदि हमारा सुरक्षित होगा तब क्या होगा, तब ये तरह तरह के फूल खिले हुए दिखाई देंगे हमारे घरों में, आंगन में और खेतों में, इस तरह के फूल देखने को मिलेंगे। आप देख रहे हैं बड़े सुंदर सुंदर फूल दिखाई दे रहे हैं ना, हाँ आपके घरों में भी होगा, ये सूरजमुखी का फूल घर में भी या आपकी बाड़ियों में होगा या खेतों में आप लगा सकते हैं। और ऐसा जो दृश्य होता है, देखिए इन चीजों को जब हम देखते हैं तो हमारा मन जो है कैसा होता है, प्रसन्नचित्त हो जाता है। तो ऐसे ही जब धरती हरी भरी होगी तब सभी प्राणियों के चेहरे में इस तरह की खुशहाली दिखाई देगी जैसे आपके चेहरे में अभी दिखाई दे रहा है। तो पर्यावरण की रक्षा के लिए हम सबको तैयार होना है, जुटना है। आइए अभी हमने ये जो पाठ पढ़ा पर्यावरण, इसके आधार पर ये कुछ वाक्य हैं जिनका हमें अनुवाद करना है संस्कृत में। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए, अभी हमने जो पाठ पढ़ा उसके पाठ से संबंधित है, क्या होगा अनुवाद इसका? पर्यावरणम स्वच्छम भवेत, पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए, पर्यावरणम स्वच्छम भवेत। वृक्षों से लाभ होता है, वृक्षैः लाभं भवति, हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। अस्माभिः वृक्षाणां रक्षणं कुर्यात्, हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। गांव का पर्यावरण अच्छा था, ग्रामस्य पर्यावरणम शोभनम आसित। तो इस तरह से ये कुछ वाक्य हैं जिसका संस्कृत में इस तरह से आप अनुवाद कर सकते हैं। आइए अब जो पाठ हमने पढ़ा है इसके आधार पर कुछ गृह कार्य के प्रश्न मैं आपको देना चाहूंगा, आप नोट करेंगे।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। क, समस्त जल वायुमंडलम पर्यावरण किम करोति? ख, दिवसे दिवसे किम क्षीणम भवति? ग, वृक्षाणाम अभावे किम न लभ्यते? घ, कस्य महत्वम सर्वविदितम अस्ति? तो इस तरह से ये प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे और लिखकर अपने विषय शिक्षक से इसका परीक्षण कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अध्ययन किया पर्यावरणम और इसके अंतर्गत हम पर्यावरण के महत्व को समझ पाए हैं। तो निश्चित रूप से पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए हम सभी को प्रयास मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। तो आप सभी प्रयास करेंगे, हम सभी मिलकर इसके लिए प्रयास करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ कार्यक्रमस्य अन्ते सर्वेभ्यो नमो नमः।